स्टार्ट है ना। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ऑक्टोपैड मेनिया। मैंने अभी लास्ट वीडियो से एक वीडियो पहले एक सॉन्ग बजाया था, तेरी आख्या का यो काजल। मैंने दो पैच शायद उसको मिक्स किया था, लेकिन आप लोगों के बजाने के लिए मैंने एक ही पैच के अंदर वो सब चीजें मिक्स कर दी है, रोलिंग और ढोल और पूरा पैटर्न डिस्को का पूरा एक ही पैच में मैंने बना दिया है। तो आइए फटाफट से बजा लेते हैं उस पैच को, हैंड रनिंग देख लेते हैं और जस्ट उसके बाद हम उसकी एडिटिंग शुरू करेंगे। आपको एडिटिंग कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लाइक और एक कमेंट के साथ जरूर भेज दीजिए, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। आइए हम एडिटिंग शुरू करते हैं। तो आइए देखिए जिस तरीके से ढोल का मैंने शुरू में बजाया है वो कैसे बजता है, आप वैसे देख लीजिए लाइव में थोड़ा सा। इसके बाद गाना शुरू हो जाता है और इसी के साथ हम लोग जो इसका मेन पैच है वो किस तरीके से है वो बजता है, वो इस तरीके से बजता है। आइए उसको 2 सेकंड बजा के देख लेते हैं और जस्ट उसके बाद हम लोग इसकी वो जो है हम एडिटिंग शुरू करेंगे कि किस तरीके से ये पैच बजा है। आइए देखते हैं। ये इस तरीके से जो है हमारा बज जाता है और मैं क्लिक के साथ बजाता हूँ, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो आप देखिए फटाफट से उसको हम लोग अब किस तरीके से पैच को पूरा बना के तैयार करते हैं, रोलिंग ढोल और यहाँ पे ये डिस्को पैटर्न सारा एक ही पैच में दे दिया है। कमाल का होने वाला है पैच, कहीं भी बजाइए दुगन में या ढोल के साथ कहीं भी, बहुत मजा आएगा। आइए फटाफट से हम एडिटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पैच की फर्स्ट कॉलम की बात कर लेते हैं। यहाँ ए और बी पार्ट में मैंने L30 लगाया है, जिसमें मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा है L30 और इसका जो है मैंने लेवल रखा है मैंने 13, पिच रखी हुई है मैंने 0, डीके है हमारा 31, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX हमारा 0 है। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं इसके बी पार्ट में, ये भी बिल्कुल सेम एक ही तरह बना हुआ है सब चीज। तो आप जो मैंने ए में बताया वो आप बी पार्ट में भी आप इसको लगा लीजिए। और आइए फटाफट से हम इसके सेकंड कॉलम में बात करते हैं। सेकंड कॉलम में मैंने ए पार्ट में लगाया हुआ है स्मॉल T19, जिसका लेवल मैंने 13 रखा है, पिच रखा है मैंने -7, डीके रखा हुआ है मैंने 1, पैनल सेंटर में है, कर्व SP2 है और यहाँ पे जो है FX है वो है हमारा 0। इसको हम कर्व को पूरे पैच के एक ही कर लेते हैं, ये हमने सारे को हमने EP4 कर लिया, तो आप भी EP4 ही रखिए कर्व को। आइए बी पार्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। बी पार्ट में मैंने लगाया हुआ है L13, सेकेंड कॉलम बी पार्ट, इंस्ट्रूमेंट L13 लगाया है, जिसका लेवल मैंने रखा हुआ है 11, पिच रखी है मैंने 0 और जो है हमारा डिके है वो है 20 और पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX जो है वो हमारा यहाँ पे हमने रखा है 0। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं हम थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में मैंने ए पार्ट में I20 लगाया हुआ है, जिसका लेवल मैंने रखा है 15, पिच मैंने लगाई है 3, डीके लगाया 31, सेंटर में इसका पैनल किया हुआ है, कर्व EP4 है और FX 0 है। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं हम इसके बी पार्ट में। थर्ड कॉलम बी पार्ट, इसमें मैंने लगाया हुआ है स्मॉल H29, जिसका लेवल मैंने किया है 15, पिच की हुई है मैंने 0, डीके है 10, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX जो है वो 0 है। और यहाँ पे आप देखिए फटाफट से मैंने किया हुआ है ए पार्ट में, फोर्थ कॉलम में लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने ए बैंक में फोर्थ कॉलम इंस्ट्रूमेंट लगाया है B47, जिसका लेवल मैंने किया हुआ है 15 और पिच मैंने 2 की है, डीके यहाँ पे 0 है, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है
और एफएक्स मेरा यहाँ मैंने किया हुआ है जीरो। और यहीं पे इसके बी पार्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। बी पार्ट में मैंने स्नेयर लगाई है एस 52, जिसका लेवल मैंने रखा है 15, पिच रखी है -1, डीके 31 है, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और एफएक्स जो है वो जीरो है। आइए बात कर लेते हैं हम फिफ्थ कॉलम की। ए पार्ट में मैंने रखा हुआ है स्मॉल एच 27, जिसका लेवल मैंने रखा हुआ है 15, पिच है 3, डीके है यहाँ पे 31, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और एफएक्स जीरो है। इसी के बी पार्ट में हम बात करते हैं स्मॉल T37 मैंने लगाया है फिफ्थ कॉलम के बी पार्ट में। लेवल मैंने 15 रखा है, पिच रखी है मैंने 11, डीके 10 है, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और एफएक्स मैंने यहाँ पे जीरो रखा है। आइए बात कर लेते हैं हम फटाफट से सिक्स्थ कॉलम के ए पार्ट में मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने इसको जीरो रखा हुआ है इसके साउंड को, तो सिर्फ मैंने बी पार्ट को यूज किया। तो बी पार्ट में हम देख लेते हैं स्मॉल T37 लगा हुआ है, जिसका लेवल मैंने 15 किया है, पिच है 6 और डीके यहाँ पे 10 है, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और एफएक्स जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल जीरो किया हुआ है मैंने। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं हम लोग सेवेंथ कॉलम के ए पार्ट में मैंने लगाया हुआ है स्मॉल एच 29, जिसका लेवल मैंने 15 रखा है, पिच रखी है मैंने 0, डीके रखा है यहाँ 10, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और एफएक्स यहाँ पे 0 है। आइए बात कर लेते हैं सेवेंथ कॉलम बी पार्ट। यहाँ पे मैंने L27 लगाया हुआ है, जिसका लेवल मैंने 15 रखा हुआ है, पिच है हमारी 3 और यहाँ पे डीके है 31, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और एफएक्स जो है वो 0 रखा हुआ है। आइए फटाफट से हम लास्ट कॉलम में बात कर लेते हैं। लास्ट कॉलम में मैंने B47 बेस लगाया हुआ है, लेवल मैंने रखा हुआ है इसका 15, पिच रखी हुई है मैंने -1, डीके यहाँ पे मैंने रखा है 0 और पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और एफएक्स जो है वो यहाँ पे 0 है। आइए लास्ट कॉलम एट्थ कॉलम बी पार्ट बात कर लेते हैं हम। इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है मैंने D03, जिसका लेवल मैंने 13 रखा है, पिच है मेरी यहाँ पे 3 और डीके यहाँ पे 31, सेंटर में इसका पैनल, कर्व EP4 और एफएक्स यहाँ पे 0 है। इसी के साथ ये पैच हमारा बनके तैयार हो जाता है। अगर आपको इसको बजाने में बनाने में कहीं से भी कोई दिक्कत आए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको इसकी दोबारा से एडिटिंग अच्छे से दे दूँगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है वो कमेंट के द्वारा आप ज़रूर मुझे बता दीजिए। और बने रहिए हमारे चैनल पर, जिसका नाम है ऑक्टोपैड।